बांग्लादेश में सियासी हलचल अब भी जारी है लेकिन बांग्लादेश के एक पक्ष को जानना बेहद जरूरी है जो कि अमेरिका से जुड़ा हुआ है दरअसल क्यों बांग्लादेश नहीं बनने देना चाहता था अमेरिका इस सवाल का जवाब आपको आगे वीडियो में जरूर मिलेगा लेकिन अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमें लाइक नहीं किया है या फिर बताया नहीं है कि कौन से मुद्दों पर आप चाहते हैं कि हम वो वीडियोस आपके सामने लाएं जिनकी पूरी जानकारी आप तक हर कीमत पर पहुंच कर रहेगी फिलहाल इस मुद्दे पर अब आपको पूरी जानकारी देना चाहते हैं क्या करना चाहता है आखिर अमेरिका या फिर अभी उसका क्या प्लान है इस पर कई सवाल अब भी खड़े हो रहे हैं लेकिन एक वक्त ऐसा था जब बांग्लादेश नहीं बनने देना चाहता था अमेरिका दरअसल पंद्रह अगस्त उन्नीस जब अंग्रेजों ने भारत छोड़ा तो इस मुल्क के दो नहीं बल्कि तीन टुकड़े किए पूर्वी पश्चिम छोर पर पाकिस्तान के दो हिस्सों को इस तरह बनाया गया कि भारत जो है वो किसी सैंडविच की तरह फंस परेशान होता रहा अंग्रेजों की मंशा आने वाले वक्त में भी भारतीय महाद्वीप को तनाव का अखाड़ा बनाकर रखने की थी बाद में हालांकि इसी खेल में अमेरिका भी शामिल हो गया ना तो कभी ब्रिटेन ने चाहा होगा और ना कभी अमेरिका ने अमेरिका ने तो बिल्कुल भी नहीं चाहा होगा कि पूर्वी पाकिस्तान की जगह बांग्लादेश जैसा कोई नया देश बनकर खड़ा हो जाए गेम को जब भारत ने मौका मिलते ही तोड़ा तो सबसे ज्यादा बेचैनी अगर किसी को हुई तो वो थी बेचैनी अमेरिका को क्योंकि एशिया के उसके सबसे बड़े खेल पर ये बहुत बड़ा आघात था इसे आप समझिए डिटेल से दरअसल अमेरिका कभी ये नहीं चाहता था कि पूर्वी पाकिस्तान की जगह बांग्लादेश की जगह पाकिस्तान की जगह बांग्लादेश के रूप में नया देश यहाँ पर बनकर सामने आए और वो भी भारत की सरपरस्ती में तो बिल्कुल भी नहीं भारत की सरपरस्ती उसे किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं थी और ये स्थिति अगर पाकिस्तान के लिए थी तो वो सदमे वाली थी अमेरिका के लिए बेचैन करने वाली थी क्योंकि एशिया में भौगोलिक तौर पर अगर आप देखेंगे तो दो ताकतें ऐसी हैं जिनका असर वक्त के साथ साथ बढ़ता चला गया साल उन्नीस सौ सत्तर में आपको ले चलते हैं जब आप इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो पाकिस्तानी फौजों का दमन चक्र पूर्वी पाकिस्तान में इस वक्त बढ़ने लगा बांग्ला भाषियों पर जुल्म होते रहे तो बड़े पैमाने पर शरणार्थी भाग भाग कर भारत की तरफ रुख करने लगे हजारों नहीं बल्कि लाखों की संख्या में उसके आंतरिक हालात इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होने लगे थे वहीं पाकिस्तान में याया खान का सैन्य शासन अमेरिका और चीन के पींगे से बढ़ाए हुए था वैसे ये वो स्थिति थी ये वो हालात थे जब दोनों ओर से लपेटने वाली भुजाओं में एक को काट सके समझिए आप तब अमेरिका ने इंदिरा गांधी को धमकी दी थी जी अमेरिका को इसकी भनक दरअसल लग चुकी थी। जब इंदिरा गांधी साल उन्नीस में अमेरिका जाती हैं, तो उन्हें बताया जा सके कि असल में पूर्वी पाकिस्तान में क्या हो रहा है तो बदले में उन्हें अमेरिकी प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन से साफ धमकी मिलती है वो पूर्वी पाकिस्तान से दूर रहें यह चेतावनी भी अमेरिका किसी भी हाल में पूर्वी पाकिस्तान में नया देश नहीं बनने देगा यानी यह तो साफ अमेरिका ने कर दिया था निक्सन को दरअसल अंदाजा था कि इंदिरा गांधी आखिर क्या करने वाली हैं शायद निक्सन को अंदाजा इस बात का हो चला था कि इंदिरा गांधी सरकार किस योजना को पंजाब किस हद तक दे सकती है रिचर्ड निक्सन मानते थे मानते थे कि अगर पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा पाकिस्तान के पास से निकला तो भारतीय उपमहाद्वीप की जियोपॉलिटिक्स ही बदल जाएगी पूर्वी पाकिस्तान के हाथ से निकलने का मतलब होगा चीन और भारत को रिलैक्स कर देना यानी बहुत आराम कर देना तेरह दिनों में बदल गया ये खेल अब ये भी समझिए जहां हाँ तेरह दिनों में खेल बदला अमेरिका की लाख धमकियों के बावजूद इंदिरा गांधी ने वो कर दिखाया जो दुनिया में कहीं कोई भी सोच नहीं सकता था याया खान तो सपने में भी गुमान नहीं था उसे इस बात का कि भारतीय सेना अमेरिकी चेतावनी के बाद भी पूर्वी पाकिस्तान में इस कदर घुस जाएगी इस वजह से वो उन दिनों में भी सुरा और शराब की महफिलें सजाते थे भारतीय फौज पूर्वी पाकिस्तान में घुसी भी और महज तेरह दिनों में सारा खेल ही बदल दिया गया अमेरिका को सबसे बड़ा झटका देता हुआ बांग्लादेश यहाँ पर बन गया अस्तित्व में आ गया हलचल जरूर रही शुरुआती वक्त में लेकिन सच यही था कि बांग्लादेश का वजूद सामने आ चुका था चीन ने इस युद्ध में पाकिस्तान का दोस्त होने के बाद भी तटस्थता बनाए रखी और सोवियत संघ ने अमेरिका को घुगड़ी दे दी कि वो दक्षिण एशिया से दूर रहे एक दूरी यहां पर तय कर ले वैसे सवाल ये भी उठा कि चीन क्यों चुपचाप बैठा रहा देखिए सोवियत संघ आकर खड़ा हो गया उसके पीछे क्या कभी आपने सोचा है कि भारत ने यह काम क्यों किया चीन क्यों चुपचाप यहां पर बैठा रहा सोवियत संघ क्यों भारत के पीछे आकर खड़ा हो गया तो इसका जवाब सीधा सीधा आपको अब आगे मिलेगा दरअसल सबको मालूम था कि पूर्वी पाकिस्तान जिस दिन हाथ से निकलेगा उसी दिन अमेरिका की दक्षिण एशिया की जो रणनीति है ना उस पर सबसे ज्यादा झटका लगेगा क्योंकि उसके रहने तक अमेरिका कभी भी वहां सैन्य बेस बनाकर सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हिंद महासागर भारत और चीन पर नजर बनाए रखेगा फिर नए देश से अमेरिकी संबंध असहज ही रहे और इसी वजह से बांग्लादेश बनने के बाद भी नए देश के साथ की तालुखात जो है, वो कभी भी सामान्य या फिर सहज नहीं रहे खासकर प्रधानमंत्री शेख हसीना के नेतृत्व वाली सरकार के दौरान बांग्लादेश बनने के बाद जब आधी दुनिया नए देश को मान्यता दे चुकी थी उसके महज चार महीने बाद अमेरिका ने इसे मान्यता दी या फिर कहिए कि अमेरिका के सामने कोई दूसरा रास्ता यहां पर बचा ही नहीं था 10 सैन्य बेस का बिस्तर बोरिया समेटना पड़ा तो पाकिस्तान का सैन्य बेस भी बंद करना पड़ा इसी दौरान भू राजनीतिक हालात में चीन सुपर पावर की तरह उभरा और भारत भी कई ज्यादा ताकतवर बनकर उभरने लगा आज का भारत तो आपके सामने है ही हालांकि जिस तरह से अमेरिका की दाल नहीं गली वहां मानवाधिकार से लेकर लोकतंत्र और भ्रष्टाचार के मुद्दे बनाकर वो स्वांग भी रचता है विरोध प्रदर्शन असंतोष को हवा देता है बांग्लादेश में भी सत्तर के दशक में यही शुरू हो गया था और बहुत से लोग ये भी मानते हैं कि शेख मुजिबुर रहमान के पूरे परिवार की हत्या सिर्फ तख्ता पलट नहीं बल्कि ग्रेट गेम का ही एक बहुत बड़ा हिस्सा थी और ग्रामीण बैंक के पीछे फोर्ड फाउंडेशन का जुड़ना भी बहुत बड़ा सवाल था इसी गेम के तहत बांग्लादेश के सामाजिक और धार्मिक ताने बाने को तोड़ने का काम इस धर्मनिरपेक्ष देश को इस्लाम बनाकर किया गया फिर प्रतिबंधित जमात इस्लामी को पिछले दरवाजे से दाखिल करा दिया गया विकास की आड़ में होने वाला खेल अमेरिकी फाउंडेशन भी खूब खेलते हैं इसलिए 1976 में जब मोहम्मद यूनस ने बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक खोले तो इसके पीछे फोर्ड फेडरेशन के साथ भी कई सवाल जो है उसने उठाए आलोचकों का कहना है कि बैंक का फोर्ड फाउंडेशन के साथ जुड़ना एक अजीबो गरीब घटना थी क्योंकि ये जगह खास राजनीतिक बिंदु है और शेख हसीना ने तो हमेशा से ही अमेरिका पर बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया इसलिए आज अमेरिका का रुख भी यहाँ साफ साफ नजर आता है तो कुछ इस तरह से बांग्लादेश का इतिहास रहा पन्ने पलटे तो अमेरिका की भूमिका इस वक्त आपने इस वीडियो के जरिए समझ ही ली गई होगी अगर आप भी कुछ मुद्दों पर चाहते हैं कि हम आपके सामने पूरी डिटेल लाएं तो जरूर वो मुद्दे हमसे बांटिएगा बताइएगा कमेंट जरूर करिएगा